आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 16 कर्ण की विजय। तो क्या है इस पार्ट में हम क्या देखेंगे? कर्ण की विजय यानी दया की विजय। तो कभी कभी पारिवारिक स्थितियों में उलझ कर क्या है बच्चों का जीवन बेकार हो जाता है। तो आइए इस पार्ट में हम यही पढ़ेंगे। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? नागरिकों अबोध बच्चों के प्रति देश और सरकार की कर्तव्यों का बोध कराना, बाल श्रम का विरोध करना। तो यही हम इस पाठ का उद्देश्य है, यही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ प्रवेश। पारिवारिक उत्तरदायित्व बच्चों से उनका बचपन छीन कर उन्हें कौड़ बना देते हैं। तो कभी कभी परिवार के दायित्व जो है बच्चों पर इस तरह पड़ जाते हैं कि वो उनसे उनका बचपन छीन कर उन्हें कौड़ बना देते हैं, यानी उन्हें बहुत ही बड़ा बना देते हैं। वो अनाथ बच्चों पर केंद्रित कहानी में किशोर मोहन अपनी 3 वर्षीय बहन रामकदी की परवरिश का प्रयास तो करता है, पर उसकी मृत्यु से आत्मग्लानी में भरकर स्वयं के लिए मृत्युदंड की मांग करता है। पर न्यायाधीश की नजर में मोहन निर्दोष है, व्यवस्थापक दोषी है, क्योंकि व्यवस्थापक ने निर्बोध बालक के हाथ में शिशु की जिम्मेदारी देकर उसकी हत्या प्रकट की है। कहानीकार की ऐसी सोच किसी भी देश और समाज के उत्थान में तो आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या है, 3-2 अनाथ बच्चे होते हैं, तो उसमें से किशोर मोहन होता है जिसकी 3 वर्षीय बहन रामकली होती है, जिस मोहन पर उसकी बहन रामकली की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो समझता है कि उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, तो इसीलिए वो अपने लिए मृत्युदंड मांगता है। लेकिन न्यायाधीश की नजर में मोहन निर्दोष है, क्योंकि मोहन जो है वो बहुत ही छोटा है, उस पर अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना गलत था। तो एक छोटे से बालक पर अपनी बहन की इस तरह से इतनी छोटी अवस्था में जिम्मेदारी डालना वो गलत था। तो इसीलिए व्यवस्थापक दोषी है जिन्होंने इस निर्बोध बालक के हाथ में शिशु की जिम्मेदारी देकर उसकी हत्या प्रकट की है, तो ये गलत था। तो इस कहानी में आइए हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों संध्या के दिन था, गोधूलियों के साथ दरिद्र मोहन के रिक्त थाले में धूल भर रही है। नगरोपकंठ में एक कुएं के समीप बैठा हुआ अपनी छोटी बहन को वह समझा रहा है, फटे हुए कुर्ते की गोर से उसके अश्रु पहुंचने में सफल नहीं हो रहा था, क्योंकि कपड़े के सोत से अश्रु विशेष थे। थोड़ा सा चना जो उसके पात्र में बेचने को बचा था उसे रामकली मांगती थी। 3 वर्ष की रामकली को 13 वर्ष का मोहन संभालने में असमर्थ था। तो क्या था कि मोहन जो है अपनी बहन रामकली को समझाता है, क्या है उसके आंसू पोंछता रहता है, अपने फटे फुटे पुराने कुत्ते से उसके आंसू पोंछता है, और क्या है थोड़ा सा चना उसके पात्र में बेचने को डाल देता है। अब तो रामकली से मांगती थी लेकिन उसने उसे नहीं दिया, तो 3 वर्ष की रामकली को 13 वर्ष का मोहन संभालने में असमर्थ था। यानी मोहन जो था वो 13 वर्ष का था और रामकली जो थी वो 3 वर्ष की थी, तो मोहन जो था रामकली को संभालने में असमर्थ था, यानी वो उसको संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत छोटी थी, उसको नहीं समझ थी क्योंकि वो भी छोटा था, तो उसको भी इतनी समझ नहीं थी कि इतने छोटे बच्चों को कैसे रखते हैं, कैसे संभालना चाहिए, कैसे उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो उसे इतनी समझ नहीं थी। 2.5 पैसे का वह बेच चुका है, अभी 2-3 पैसे का चना जो जल और मिर्च में उबाला हुआ था और बचा है। मोहन चाहता था कि 4 पैसे इसके रोकड़ में और बचे रहें, 1.5-2 पैसे का कुछ लेकर अपना और रामकली का पेट भर लेगा। 4 पैसे से सवेरे चने उबाल कर फिर अपने दुकान लगा लेगा, किंतु विधाता को यह स्वीकार नहीं था। जब से उसके माता पिता मरे साल भर से वह इसी तरह अपना जीवन निर्वाह करता था, किसी संबंधी या सज्जन की दृष्टि उसी और उसकी ओर न पड़ी। मोहन स्वाभिमानी था, वह धुन का भी पक्का था, किंतु आज वह विचलित हुआ। रामकली की कौन कहे, वह भी भूख की ज्वाला सहन न कर सकी। तो क्या था कि अभी वो बेचारे दोनों अपना गरीबी में जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन रामकली जो थी वो भोजन भूख की वजह से भूख की ज्वाला सहन न कर सकी और वो भूख की वजह से बहुत ही बेचैन हो रही थी। अपने एग्रेस्ट के आगे हार मानकर उसने रामकली को खिलाया, तो क्या है उसने उसकी हट को मानकर उसे क्या करा, अब रामकली को खिला दिया। बचा हुआ जो था उससे उसने मोहन के पेट को गर्मी और बढ़ा दी, 2.5 पैसे का और भी कुछ लाकर अपनी भूख मिटाई। दोनों कुएं की जगत पर सो गए। अब क्या था, वो दोनों के कुएं की जगत पर सो गए, उसने अपनी बहन की भूख मिटा दी थी, ठीक है, तो वो वहां पर अपनी भूख शांत करके दोनों वहीं पर सो गए। दरिद्रता और करुणा का झगड़ा चल पड़ा। दरिद्रता बोली, देखो जी मेरा कैसा प्रभाव है। करुणा ने कहा, मेरा सतत सर्वत्र राज्य है, तुम्हारा विद्रोह सफल न होगा। दरिद्रता ने कहा, गिरती हुई बालू की दीवार कहकर नहीं गिरती, तुम्हारा
काल्पनिक क्षेत्र निहार की वर्षा से कब तक सींचा रहेगा? अभिमान अभी तक चुप बैठा रहा, किंतु उससे नहीं रहा गया। कहा, मैं भी किसी दल में घुस कर देखूंगा कि कौन जीतता है। दोनों ने पूछा कि तुम किसका साथ दोगे? अभिमान ने कहा, जिधर की जीत देखूंगा वही का मैं साथ दूंगा। आती जहाँ की जीत होगी मैं तो वही का साथ दूंगा। करुणा ने निशांत बालकों को सुख देने का विचार किया। मल्लेह लोर की थपकी देकर सुना देना चाहा। दरिद्रता ने दिन भर की जमी हुई कदम के पत्तों पर से हिसका दिया। तो क्या था अभी जो करुणा थी यानी जो दया थी उसने क्या किया? उन बालकों को विश्राम देने के लिए सुख देने का विचार किया, उसने इनको थपकी देकर सुना दिया। लेकिन जो दरिद्रता थी वो जो दुखीपन था यानी दरिद्रता जो थी तो करुणा और दरिद्रता में आपस में लड़ाई चल रही थी कि देखते हैं कौन जीतता है। तो दरिद्रता ने क्या किया कि दिन भर की जमी हुई कदम के पत्तों से उनको खिसका दिया यानी उनकी नींद को खराब कर दिया। बालकों की सरल मुख ने धूल पड़ने से कुछ विकृत मुख धारण कर लिया। दरिद्रता ने स्वप्न में भयानक रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया। मोहन का शरीर कांपने लगा, दूर से देखती हुई करुणा भी कांप उठी। तो जब मोहन का शरीर ऐसे परेशान होकर दुखी के कारण कांपने लगा तो करुणा भी उसके दुख को देखकर कांप उठी। अकस्मात मोहन उठा और झोंक कर बोला, भीख न मांगूंगा। तो एकदम से उठा झोंक कर उसने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा। एक कंदरन और धमाका रामकंडे को कुएं ने अपनी शीतल गोद में ले लिया। क्या था, इतनी हवाई इतनी तेज आई कि रामकंडे जो थी उस हवा के झोंके में कुएं की गोद में चली गई। डाल पर से दरिद्रता की अट्टहास की तरह उल्लू बोल उठा। उस समय बंगले पर मेहंदी की टट्टी से गिरे हुए चबूतरे पर आसमानी पंखे के नीचे मसरी में से नगर पिता दंडनायक चिल्ला उठे, पंखा खींचो। प्रसन्न वदन न्यायाधीश ने एक स्थिर दृष्टि से देखते हुए अपराधी मोहन से कहा, पालक तुम अपराध स्वीकार करते हो कि रामकली यानी अपनी बहन की हत्या तुमने की है। मृत्युदंड चाहा है किंतु न्याय अपराध का कारण ढूंढता है। वो भी क्या है कि वो कहते हैं कि मानक तुम्हें ये अपराध स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी बहन रामकली की मृत्यु तुम्हारी वजह से हुई है, तो तुम्हें मृत्युदंड चाहिए, तो यही तुम्हारे अपराध का न्याय होगा। सिर काटती है तलवार किंतु वही सिर काटने के अपराध में नहीं तोड़ती है। निर्बोध बालक तुम्हारा कुछ भी अभी कर्तव्य नहीं है। तुमने यदि हत्या की भी हो तो तुम केवल हत्यारे के अस्त्र थे। नगर के व्यवस्थापक पर इसका दायित्व है कि 3 वर्ष की रामकली तुम्हारे हाथ में क्यों दी गई। उन्होंने कहा कि नगर का जो व्यवस्थापक है उस पर उसका दायित्व है कि 3 वर्ष की रामकली को तुम्हारे हाथ में क्यों सौंपा गया। तो ये उस व्यवस्थापक की गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम एक निर्बोध बालक हो, तुम कुछ छोटे हो, तुम एक छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी कैसे संभाल सकते हो। यदि कोई उत्तराधिकारी विहीन धनी मर जाता तो व्यवस्थापक नगर पिता उसके धन को अपने कोष में रखवा लेते। यानी अगर कोई क्या था, अगर कोई धनवान मर जाता भी धनी होता तो व्यवस्थापक क्या थे, उसके नगर के पिता उसके धन को अपने कोष में रखवा लेते। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये निर्धन बेचारी रामकली मरी है तो इसका दोष तुम पर लगा दिया, तो ये गलत है। यदि निर्बोध उत्तराधिकारी रहता तो उसकी संपत्ति सुरक्षित करने की वह व्यवस्था करते, किंतु ऐसा है निर्धन और अगुवानी और निर्बोध बालक के हाथ में शिशु का भार रख देना राष्ट्र के शुभ उद्देश्य की गुप्त रीति से और शिशु की प्रकट रूप से हत्या करना है। तो क्या है, एक निर्बोध बालक के हाथ में ऐसे शिशु का भार डाल देना, उसको संभालने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देना, क्या है उस शिशु के साव की हत्या करने के बराबर है। तुम इसके अपराधी नहीं हो, तुम मुक्त हो, तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम इसके अपराधी नहीं हो, तुम इस से निश्चिंत रहिए। करुणा रोते हुए हंस पड़ी, अपनी विजय की वर्षा मोहन के अभिमान के अश्रु बनकर करने लगी। तो यहाँ पर करुणा यानी दया जो थी वो इस तरह से रोने लगी कि कैसे छोटे से बालक पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, कैसे वो इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का भार झेलता था। ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया छोटा सा नाटक था, छोटी सी कहानी थी बच्चों जो हमने यहाँ पर पढ़ी है, जिसमें वो छोटे बच्चे थे, एक थोड़ा सा बड़ा था और जो लड़की थी वो छोटी बहुत छोटी थी। दोनों बहुत ही निर्धन थे, बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालते थे। तो उसकी छोटी बहन की जब मृत्यु हो गई तो क्या है, उसको दोषी ठहराया गया, जो कि गलत था क्योंकि वो खुद ज्यादा बड़ा नहीं था। उसके कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना एकदम गलत था। ठीक है, तो बच्चों क्या हमारा ये पाठ यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।